नमस्कार दोस्तों, आज मैं बेसिक्स ऑफ बॉटनी चैनल के माध्यम से आपको एक प्रारूपिक पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में बताऊंगा। सामान्यतः पौधों में पुष्पों का निर्माण जनन प्रावस्थाओं में होता है। पुष्प पौधे का सबसे सुंदर भाग है। क्या आप जानते हैं कि इस पुष्प का निर्माण कैसे होता है? इस पुष्प में कौन-कौन से भाग हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सब बातें बताने का प्रयास करूंगा। पुष्प एक रूपांतरित पर्व है, यानी ये एक शाखा का ही रूपांतरण है जो जनन प्रावस्था में जो इस पे पत्तियां हैं वो विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती है, जिन्हें अलग-अलग नाम दिया गया है। जॉन डब्ल्यू वॉन गोथे के अनुसार पुष्प जो है वो मॉडिफाइड और मेटामॉर्फोज्ड लीव्स है, यानी जो पौधे की पत्तियां हैं उनके रूपांतरण के द्वारा ही पुष्प का निर्माण होता है। उन्होंने मेटामॉर्फोसिस ऑफ प्लांट्स जो एक रिसर्च पेपर 1790 में प्रकाशित किया था, उसके अनुसार जो पुष्प है वो रूपांतरित पत्तियां हैं। अब पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो सामान्यतः पुष्प में चार भाग होते हैं, लेकिन पुष्प है जो मुख्य तने से अथवा पुष्प क्रम से एक विशेष प्रकार की रचना से जुड़ा रहता है, जिसे पुष्प वृंत और पिटियोल कहते हैं। और इस पिटियोल का जो दूरस्थ सिरा है वो फूलकर कुछ मोटी संरचना में रूपांतरित हो जाता है, जिसे पुष्पासन कहते हैं। ये थैलेमस भी कहलाता है। और इस थैलेमस पर पुष्प के चार भाग लगे रहते हैं। चार भागों को हम दो चक्रों में विभक्त कर सकते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर। दो बाहरी चक्र हैं, जिन्हें कायिक चक्र और वेजिटेटिव वर्ल्ड और स्टीराइल वर्ल्ड भी कहते हैं, जिन्हें क्रमशः बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज कहा जाता है। कुछ फैमिलीज के पौधों में, जैसे मालवेसी कुल के पौधे हैं, कपास जिसका उदाहरण है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उसमें मालवेसी कुल के पौधों में एक और चक्र भी पाया जाता है, जिसे एपिकैलेक्स कहा जाता है, तथा दो आंतरिक चक्र जिन्हें जनन चक्र और फर्टाइल वर्ल्ड भी कहा जाता है, उसमें पुमंग अथवा पुंकेसर और जायांग अथवा स्त्री केसर आते हैं, जिन्हें क्रमशः अंग्रेजी में एंड्रोसियम और गाइनेसियम कहते हैं। क्योंकि ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना क्या होती है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, लेकिन अलग अलग कुलों के पौधों में और एक ही कुल के अलग अलग पौधों में पुष्पों की संरचना भिन्न भिन्न हो सकती है। उनके आकार, प्रकार, रंग वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कंप्लीट पुष्प क्या होता है, इनकम्प्लीट पुष्प क्या होता है और इनकी व्यवस्था कैसी होती है। लेकिन ये पुष्प में कैसे दिखते हैं एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं पुष्प में ये चारों भाग कैसे व्यवस्थित होते हैं और इन चारों भागों में भी कौन-कौन से हिस्से होते हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया, पुष्प है वो मुख्य शाखा से एक विशिष्ट प्रकार की संरचना से जुड़ा रहता है, जिसे पुष्प वृंत अथवा पेडिसल कहा जाता है। पेडिसल का जो शीर्षस्थ सिरा है वो फूलकर गोलाकार संरचना में या इलिप्टिकल संरचना में रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। और इस पुष्पासन पर पुष्प के जो चार भाग हैं वो लगे रहते हैं। सबसे बाहर बाह्य दलपुंज होता है, जो सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। फिर दलपुंज होते हैं, ये रंगीन होते हैं और इन्हीं के कारण पुष्पों का रंग कीट पतंगों को आकर्षित करता है।
इसके अंदर पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसर में एक पतली दंडाकार संरचना जिसे पुतंतु कहते हैं और शीर्षस्थ भाग पराग कोष कहलाते हैं। पराग कोष सामान्यतः द्विकोष्ठीय होते हैं, लेकिन मालवेसी कुल मैंने आपको बताया उसमें पराग कोष एक कोष्ठीय भी हो सकते हैं। यानी पुंकेसर पराग कोष और पुतंतुओं के मिलने से जो संरचना बनती है उसे पुंकेसर और एंड्रोसियम कहा जाता है। इसके जो सबसे ऊपर का भाग है यानी अंदर का भाग है, अपन ऐसे भी कह सकते हैं, उसे जायांग अथवा स्त्री केसर अथवा गाइनोसियम कहा जाता है। गाइनोसियम में जो आधार भाग है जिसे अंडाशय कहते हैं और इसमें कई सारे ओव्यूल लगे रहते हैं। ओव्यूल की लगने की व्यवस्था क्या है, ये मेरे पहले के व्याख्यान में आप जाएंगे तो पता कर सकते हैं कि किस तरह से ओव्यूल प्लेसेंटा पे लगे रहते हैं और उसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो मेरा एक पूरा वीडियो इसके ऊपर है, आप देखिएगा। और इसका ऊपर का भाग है ट्यूब नुमा संरचना में नलिकाकार संरचना में रूपांतरित होता है जिसे वर्तिका कहते हैं, और इसका शीर्षस्थ भाग है उसे वर्तिकाग्रे कहते हैं। वर्तिकाग्रे परागकोश परागकण है वो वर्तिकाग्रे पे ही आके सबसे पहले गिरते हैं फर्टिलाइजेशन से पूर्व। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक प्रारूपिक पुष्प है उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तथा पुष्पासन पर इनकी व्यवस्था कैसे होती है, तो ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।